फांसी सजा हो और सुप्रीम कोर्ट से वकील भेजे। जो हुआ है गलत हुआ है और हम लोग लगातार इस आंदोलन में साथ हैं और साथ रहेंगे और बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। फांसी सजा हो और सुप्रीम कोर्ट से वकील भेजे। अच्छा अच्छा, ये हमारा मांग है। अच्छा, ये घटना क्या ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता का उस लड़के से शायद पहले से भी संपर्क था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ फोटो वगैरह आ रहा है सामने, अच्छा अच्छा अच्छा, वो पकड़ा गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सब फॉल्स है। क्या चाहता था अंकिता से? क्या क्या चाहता था वो उसे चाहता था हमसे तुम बात करो, नहीं किया बात। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बात करना चाहता था, संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई उसके लिए, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप उनके दादाजी हैं, घर के बड़े गार्जियन हैं। आपका शुभ नाम अनिल कुमार सिंह जी। अनिल जी, अभी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, अब एक इंसाफ चाहते हैं या क्या चाहते हैं? अच्छा, घर के और लोग कहाँ चले गए? उनके पिताजी, उनकी माताजी? माताजी नहीं है, माताजी कैंसर से मौत। अच्छा, कैंसर से उनकी मौत हो गई। मतलब पिताजी कहीं गए? हाँ, पिताजी गए, ऑफिस में बुलाया है। अच्छा, ऑफिस में गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप घर में हैं तो बड़ा दुखद माहौल भी है। वाकई हम लोग भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले अंकिता को, क्योंकि बेचारी। अच्छा, ये भी एक मामला आया था कि वो बालिग हो चुकी है, लेकिन बाद में फिर हुआ कि नहीं वो बालिग नहीं है। उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र 16 साल है। अच्छा, 16 साल है, पहले ये बात आई कि नहीं 19 साल की, बाद में ये क्लियर हुआ कि नहीं वो 16 साल की? तो वाकई में वो 16 साल की है ना। तो और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो पूरा हमको लगा। अच्छा, प्रशासन सब सपोर्ट कर रहा है? पूरा पूरा, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि उसको सजा हो पाएगी? सजा होना चाहिए उसको, है ना, ठीक है। जी जी जी, जिससे जो करप करप कर रही है उसी को भी करवा कर पा। 10 दिन पहले हमको फोन किया, उसका परेशान कर रहा था, तो अपने पापा को बोले, तो पापा उसको बड़े वाले भाई से बात किए। सब पापा क्या, उसके बड़े वाले भाई बोला क्या, तू अपने बदमाश से सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम। तो हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में, तू का लड़का था वो और एक छोटुआ था, हम खिड़की खोल के देखे। आप मुस्लिम क्षेत्र में रहती है ना? वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, अभी मुंह थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है? हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने बेड पर है, इनको सही और उचित न्याय मिले, इसके लिए हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करें। प्रशासन और राज्य व्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती कि इनको सटीक स्पीड ट्रायल में इनका केस डाला जाए, कि इनके द्वारा जो किया गया, इनके साथ जो किया गया, उसको उचित से उचित कार्रवाई हो, उसको फांसी का सजा हो। दीदी बोल रही हैं, उससे भी कोई निर्मम हो, उसके साथ बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं। इधर 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 इधर, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? जी देखिए श्रीमान, मैं बताना चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार यूपी जानती है कि जब अगर बहन बेटियों की बात होती है तो मगहिया जवान सबसे पहले नजर आता है। और चाहे बहन बेटी किसी की हो, किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, न्याय मिलना चाहिए। गलत हुआ है ना, बहुत सारा चीज़ें सुनने को मिल रहा है कि ऐसे था वैसे था, कुछ भी हो, लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है और हम लोग लगातार इस आंदोलन में साथ हैं और साथ रहेंगे और बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि किस प्रकार का एक होता है कि अगर जो है जैसे घर वाले लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, फिर एक बिहार के चर्चित पत्रकार थे मनीष कश्यप जो आए थे, तो उनका कहना था कि झारखंड पुलिस में कोई अगर मर्द है तो उसको जो है ऑन स्पॉट गोली मार दे और उसको वहीं पे उसका सजा मिले। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब यही घटना हमारी बहन के साथ हो, आपकी बहन के साथ हो ना, तो प्रशासनिक व्यवस्था, दंड सब बाद में, हम तो कहेंगे कानून ही ऐसा होना चाहिए।
मैं भी उसी अंदाज वाला हूँ, सीधा ऑन स्पॉट कहानी करो, बाद में जेल होगी ना। मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। एक जिंदगी मिलता है जी, और हमारे जिंदगी जीते जी और बहन के साथ कोई दुराचार करे अत्याचार करे तो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। मनीष कश्यप जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये कब तक लग रहा है जो कि इंसाफ मिलेगा सर? जब तक हम लोग लगे रहेंगे और छोड़ देंगे। तो देखिए क्या है ना कि अभी एक दौर एक समय है ना कि आजकल तमाम नेता लोग भी तमाम पार्टियां भी यही चाहती है कि मुद्दा मिले, चार जगह न्यूज चले, चार जगह चेहरा हमारा आए, है ना, और चार जगह पे देखे लोग, फिर मामला शांत हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को कंटिन्यू खबर चलाना होगा, लगना होगा और जोर शोर से तमाम पूरे बिहार वासियों को इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तभी संभव है। हम चुप हो जाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे, कल हमारे सर लोग भी यहाँ चले जाएंगे। मगैया जवान के गौतम सिंह राजपूत किस हद तक समर्थन करेंगे और किस हद तक मांग करेंगे, क्या कितना जल्दी सजा? लगातार जब तक सजा मैं वादा करता हूँ एक मुहिम के लिए, एक एपिसोड बहन के लिए जारी रहेगा हमेशा, बिल्कुल। चलिए कुछ इस प्रकार से।